मॉर्निंग बच्चों, आज हम सीखेंगे चंद्रबिंदु की मात्रा। ओके, इससे पहले हमने अ की मात्रा और अंक की मात्रा किया, आज हम करेंगे चंद्रबिंदु की मात्रा। सभी बच्चे अपनी बुक खोल लीजिए। इसके बाद हम कॉपी में वर्क करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक और कॉपी अपने पास रखिए। ओके, तो अभी सब अपनी बुक खोलिए। ओके, यहां लिखिए ऊपर, सबसे ऊपर सी डब्ल्यू, यहां लिखेंगे रीड एंड लर्न। रीड आर ई ए डी, रीड एंड लर्न एल ई ए आर एन, लर्न सी डब्ल्यू रीड एंड लर्न। ओके, सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, चंद्रबिंदु की मात्रा। अ के ऊपर चंद्रबिंदु, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है चंद्रबिंदु की मात्रा। सबसे पहले पिक्चर में देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, सांप। ओके, सांप का जब हम बोलते हैं तो हम तो चंद्रबिंदु का जो उच्चारण है नाक से आता है ना, जैसे स प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्रबिंदु प्लस प मिलकर क्या बनेगा, सांप। क्या बना, सांप। जो उच्चारण आ रहा है वो चंद्रबिंदु का वो नाक से हो रहा है ना। दूसरा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बांसुरी, ब प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्रबिंदु की मात्रा प्लस स प्लस र प्लस बड़ी ई की मात्रा, मिलके क्या बनेगा, बांसुरी। बांसुरी यहाँ पे देखिए वापस सांप बांसुरी। फिर यहाँ देखो बोल कर पढ़िए और समझिए। सबसे पहले देखो पहली लाइन प, प के पीछे आ की मात्रा, यहां ऊपर है चंद्रबिंदु की मात्रा व पाव। दूसरा अ, आ के पीछे आ की मात्रा, आ के ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा ख आंख। तीसरा का के नीचे छोटा उ की मात्रा, आ के पीछे आ की मात्रा, ये आ के ऊपर देखिए चंद्रबिंदु कुआं, क्या बोला जाएगा, कुआं। ज ह, ह के पीछे आ की मात्रा, हा के ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा, क्या बनेगा, जहां। वापस देखिए पांव आंख कुआं जहां। दूसरी लाइन ग, ग के पीछे आ की मात्रा, गा, गा के ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा, गा व गांव। प, प के पीछे आ की मात्रा, पा के ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा, पांच, पांच। ध, ध के नीचे छोटा उ की मात्रा, धुआं। आ, आ के ऊपर देखिए चंद्रबिंदु की मात्रा, धुआं। यहां देखो व, ह, ह के पीछे आ की मात्रा, हा के ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा, वहां। क्या बना, वहां। गांव पांच, धुआं वहां। तीसरी लाइन देखो ज, जा के पीछे आ की मात्रा, जा के ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा, जांघ, जांघ। दूसरा ज, जा के पीछे आ की मात्रा, जा, जा के ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा, जांच, जांच। स, स के नीचे बड़ा ऊ की मात्रा,
सु सु के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा सुंग। लास्ट में देखो ट ट के पीछे आ की मात्रा ता ता के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा टांग ग। ये दोनों के बीच में आ रही चंद्र बिंदु टांग। ओके वापस देखो जांग जांच सुंग टांग। चौथी लाइन देखो स स के पीछे आ की मात्रा सा सा के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा प सांप। क क के पीछे आ की मात्रा का के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा कांच कांच। तीसरा बड़ा ऊ ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा ऊंट ऊंट। क ह ह के पीछे आ की मात्रा हा हा के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा कहा। क्या पढ़ेंगे कहा। वापस देखो सांप कांच ऊंट कहा। नेक्स्ट लाइन ग ग के नीचे बड़ा ऊ की मात्रा गू गू के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा गूंज। क्या बना गूंज। फिर देखिए अ आ के ऊपर आ के पीछे आ की मात्रा आ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा आंच आंच। तीसरा स स के नीचे बड़ा ऊ की मात्रा सु सु के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा सूंध सूंड। लास्ट में देखिए द द के पीछे आ की मात्रा दा दा के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा दांत दांत। वापस देखें गूंज आंच सूंड दांत। ओके लास्ट लाइन अ आ के पीछे आ की मात्रा आ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा आंत आंत। स स के पीछे आ की मात्रा सा सा के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा सा स सांस। घ घ के नीचे बड़ा ऊ की मात्रा घू घू के ऊपर बड़ा ऊ सॉरी चंद्र बिंदु की मात्रा घूट घूट। भ भ के पीछे आ की मात्रा भा भा के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा भांप भांप। एक बार वापस देखिए पहला शब्द देखिए पांव आंख कुआं जहां। दूसरी लाइन गांव पांच धुआं वहां। तीसरी लाइन देखिए जांग जांच सूंग टांग। नेक्स्ट सांप कांच ऊंट कहा। नेक्स्ट लाइन देखो गूंज आंच सून दांत। लास्ट लाइन आंत सांस घूंट भाप। ओके अब यहां देखो नीचे वाक्यों को पढ़िए। यहां पे कुछ सेंटेंस है वो देखो। उसके घर के आंगन में आंवले का एक पेड़ है। उसके घर के आंगन में आंवले का एक पेड़ है। किसका पेड़ है आंवले का। कहां पर आंगन में। फिर खड़ी पाई गांव के अंदर एक कुआं है। गांव के अंदर क्या है कुआं। कुएं के पास बांस का पेड़ है। कुएं के पास क्या है बांस का पेड़ है। बांसुरी बांस से बनती है। बांसुरी किससे बनती है बांस से बनती है। बांस का एक पेड़ होता है बच्चों उससे बांसुरी बनती है। ओके इसके बाद अभ्यास कार्य हम बाद में करेंगे।
अभी वापस देखिए एक बार ये वाक्य को पढ़िए। उसके घर के आंगन में आंवले का एक पेड़ है। खड़ी पाई गांव के अंदर एक कुआं है। कुएं के पास बांस का पेड़ है। बांसुरी बांस से बनती है। ओके बच्चों, आज हमने ये चैप्टर पढ़ा, ये बहुत टफ है, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और जैसे मैम ने पढ़ा है आप उसको बार बार देखिए, बार बार सुनिए, है ना। उसके बाद आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आपको समझ में आएगा। और जब मैं आपकी लाइव क्लास लेती है उस समय आपको वापस रिपीट कराएंगी, ठीक है। अभी हम कल जब आओगे स्कूल में, सॉरी कल जब आओगे क्लास में, तब हम शब्द करेंगे चंद्र बिंदु की मात्रा के। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।